सवाल तो आज क्या है सब जानते ही हैं। तीन खास मेहमान हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, कांग्रेस से मीम अफजल और बीजेपी से सुधांशु मित्तल। संजय सिंह जी, पहले आप ही के पास आऊंगा और मुबारकबाद दूंगा आपको, आपको भी अच्छा लगेगा सुनकर, कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूं, तारीफ कर रहा हूं आपकी, वाकई एक मास्टर स्ट्रोक चलाया आपने। धन्यवाद। कांग्रेस बीजेपी आपको फंसाने चले थे लेकिन ऐसा लगता है कि आपने गेंद उनके पाले में डाल दिया वापस, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें। बहुत बढ़िया पॉलिटिकल मूव है आपका ये संजय सिंह जी। धन्यवाद। अच्छा, आप इस तारीफ का जवाब सिर्फ धन्यवाद से दे रहे हैं, तो सवाल मैं पूछता हूं आपसे फिर। सवाल मेरा यह है, 6 महीने की गारंटी कांग्रेस आपको लिखित तौर पर दे तो रही है, कह रही है कि हम लिखित में अनकंडीशनल बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं, 6 महीने की गारंटी दे रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएंगे, सरकार नहीं गिराएंगे। आपने तो 1 महीने में बिजली का दाम कम करने का वादा किया, और भी 2-3 महीने में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, फिर आप क्यों जिम्मेदारी से भाग रहे हैं संजय सिंह जी? आपको देश की राजनीति का थोड़ा सा इतिहास बता दें, चौधरी चरण सिंह जी को भी इन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था, पार्लियामेंट नहीं पहुंचने दिया। चंद्रशेखर जी को अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था, 4 महीने में सरकार गिरा दी। इस देश के अंदर देवगौड़ा और गुजराल की सरकार क्यों बनी और क्यों गिराई गई किसी को मालूम नहीं। मतलब आपको भरोसा नहीं, चेहरा पसंद नहीं आया, सरकार गिरा दिया। ठीक है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि 44 साल से आपने लोकपाल नहीं पास किया। मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं। 44 साल से आपने लोकपाल बिल पास नहीं किया। जन लोकपाल कानून हम दिल्ली के अंदर बनाना चाहते हैं, उस पर आपकी क्या राय है? हम टैंकर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, उस पर आपकी क्या राय है? मैं सारी बताऊंगा संजय सिंह, करना चाहते हैं सारी की सारी 18 शर्तें बताऊंगा जो आपने रखी है। एक सेकंड में मैं कह रहा हूं, ये जरा शुरू बातें कांग्रेस बीजेपी बताती क्यों नहीं? ठीक है, शुरुआती कमेंट चलो आपके पास आ रहा हूं एक सेकंड में। क्या हमको लाल बत्ती के लिए समर्थन देना चाहते? बस एक सेकंड में आ रहा हूं। मीम अफजल साहब, आपसे भी मेरा वही सवाल है, ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस एक ऑकवर्ड सिचुएशन में केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को रखना चाहती थी, फंसाना चाहती थी, एक्सपोज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन केजरीवाल ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चलाया कि आप खुद फंस गए हैं अपनी चाल में, आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या करें? देखिए, एक बात तो मैं आपको बताऊं कि आज आपने न्यूज 24 पर जो अपना टॉपिक रखा है और जिस तरह से आपने उसको बताया है कि हमने कोई मास्टर स्ट्रोक खेला या उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला, ये कोई खेल नहीं है। ये देश के अंदर बहुत अहम फैसला है जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, इसको बहुत हल्के से लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा ज्ञान अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का है तो संजय सिंह जी को भी बताना चाहता हूँ और आपको भी बताना चाहता हूँ। चूँकि मैं पार्लियामेंट का मेम्बर रहा हूँ, मैं थोड़ा बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन जानता हूँ। जी बताइए। जब अनकंडीशनल कोई सपोर्ट देती है पार्टी, उसका मतलब ये होता है कि वो आपको तमाम जायज मुद्दों पर सपोर्ट देगी, उस पर सवाल पूछने का कोई सवाल नहीं होता। आप पार्टी मेरा मैनिफेस्टो पर इलेक्शन नहीं काम नहीं करेगी, अपने मैनिफेस्टो पर काम करेगी, और उनका जो मैनिफेस्टो है वो सबके सामने है। आपके अनकंडीशनल सपोर्ट के वादे पर उनको विश्वास नहीं है, वो कह रहे हैं आपका इतिहास ऐसा है कि आप पहले भी अनकंडीशनल सपोर्ट बहुत सी सरकारों को देते आए हैं। इसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है, गिराई है जब भी आपने किया है, इसीलिए उनको भरोसा नहीं है। आप राजनीति कर रहे हैं साफ तौर पे, आप केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करना चाहते हैं, उनको डिफिकल्ट एक पोजीशन में डालना चाहते हैं, इसीलिए वो इसका जवाब इसी तरह दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं, नहीं, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, सबसे बड़ा मैंडेट मिला भारतीय जनता पार्टी को, मित्तल साहब उसका जवाब दे देंगे, उन्होंने इसको कबूल नहीं किया। उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं, अगर वो कुछ बोलेंगे तो मैं उसमें भी बोल सकता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बनाई थी, उस वक्त अल्पमत में थे, 13 दिन में सरकार गिरी, उसके बाद फिर आप लोगों को सरकार बनाने का आवाम ने मौका दिया। ना, सही कह रहे हैं आप, उससे आप ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों से सवाल है। मीम अफजल साहब, बहुत अच्छा मुद्दा आप उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। मेरी बात, अरे कमाल है, आप कैसे कह रहे हैं कि बीजेपी और आप बीजेपी और कांग्रेस को इक्वेट ना करें, बराए मेहरबानी। जिस पार्टी ने अपना गठन आपके खिलाफ किया हो उन्हीं मुद्दों पर जिनके लिए आप बदनाम हुए हैं, उसके बाद आप उसी पार्टी को बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं चुनाव के बाद, अब से पहले ऐसा कब हुआ है? इसलिए कि हम पूरी दो बातें हैं उसके लिए, दो अहम बातें हैं। एक तो है कि भारतीय जनता पार्टी को हम आने से रोकना चाहते हैं, दूसरा हमारा मुद्दा यह है कि दिल्ली के लोगों को इलेक्शन में नहीं झोंका जाए, क्योंकि इलेक्शन एक बहुत बड़ा बार होता है,
वो आप पार्टी पर भी होगा, कांग्रेस पर भी होगा, बीजेपी नहीं, 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 पर भी होगा, आपको ये डर है, आपको ये डर है मीम अफजल साहब कि दोबारा चुनाव होंगे तो आपको 8 सीटें भी नहीं आएंगी। ये आप कहते रहिए, आप कहिए, आपको आपको मना कौन कर रहा है? नहीं, तो आप मुद्दे पे आप अपनी राय ठीक है भाई, हम तो ठीक है। एक सेकंड, सुधांशु जी का कमेंट और ले लेता हूं, उसके बाद सुधांशु जी का कमेंट और ले लेता हूं जल्दी से। और आप हमसे पूछ रहे हैं, एक सेकंड मीम अफजल साहब, ये लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। 18 सुधांशु जी आपकी राय क्या है इसको बताइए ना। संजय जी एक सेकंड, दिल्ली की जनता की चिंता है। संजय जी सिर्फ एक सेकंड, सुधांशु जी का कमेंट ले लूं फिर आपके पास आ रहा हूं। सुधांशु जी, ऐसा लग रहा है आप भी ये चाह रहे थे कि केजरीवाल एक मुश्किल स्थिति में फंस जाएं, लेकिन केजरीवाल साहब ने वापस लाल बत्ती की बात कर रहे हो, लाल बत्ती तो कोई लगा ही नहीं सकता दिल्ली के अंदर। मीम अफजल साहब एक सेकंड, कानून ही नहीं है, आम आदमी पार्टी और आपकी बहस अभी एक सेकंड में हो जाएगी। एक सेकंड संजय, आपको लेजिस्लेटिव बिजनेस के लिए हमारा सपोर्ट चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है जो आपको लेने हैं। जो आपने 18 सवाल दिए उसमें से कम 15 सवाल ऐसे हैं जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है, लेजिस्लेटिव बिजनेस नहीं है, एग्जीक्यूटिव बिजनेस है। जवाब तो आपकी सरकार ने उनको इम्प्लीमेंट कर दिया। हम लवली जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब चीज क्लियर कर दिया, अपराध और आपका तजुर्बा लवली सिंह से ज्यादा नहीं है असेंबली का। आप लिखित जवाब दे दीजिए, हम जनता से कह तो सके। आपको लिखित जवाब से क्या लेना देना है, क्या ये बताने में सरकार बनाइए ना। आप इतना डर क्यों रहे हैं? आपकी आप तो बड़े बहादुर लोग हैं ना। आपकी राय क्या है उन मुद्दों पे? वो हमारे बहादुर लोग हैं, वो दिल्ली की जनता का मुद्दा है बाहर किया, तो आज इतना डर क्यों रहे हैं? जनता का मुद्दा है जो अनऑथराइज कॉलोनीज का मुद्दा, दिल्ली की जनता का मुद्दा है, तभी तो हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मुद्दा दिल्ली की जनता का मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा दिल्ली की जनता का मुद्दा है, जल लोकपाल का मुद्दा दिल्ली की जनता का मुद्दा है। आपने जो वादे किए हैं आप उसे भाग रहे हैं, उनको पूरा कर नहीं सकते हैं आप। आप उसमें अपनी राय दे रहे हैं, आपका मैनिफेस्टो है, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मुद्दों पे आप समर्थन, आप पूरा मैनिफेस्टो लागू करिए। 6 महीने तक आपकी सरकार तो गिरेगी नहीं, आप तो 2 महीने में सारा लागू करने वाले हैं। दोषी पाएंगे सुधांशु जी, मुस्कुरा रहे हैं 2 महीने में दिल्ली के। संजय सिंह जी, मीम अफजल साहब, सुधांशु जी को हंसी आ रही है। सुधांशु जी कह रहे हैं कि मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं। सुधांशु जी लेकिन कुछ भी कहिए, इनसे तो बात कर ले। हाँ मीम अफजल साहब, एक सेकंड में आपके पास, दिल्ली के आवाम को धोखा देने का काम कर रहे हैं। मीम अफजल साहब एक सेकंड, सुधांशु जी को मौका दे दीजिए, बहुत देर से हंस रहे हैं। संजय सिंह जी एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, सुधांशु जी को भी आने दीजिए डिबेट में। सुधांशु जी, वाकई आज तो आप मानेंगे केजरीवाल साहब कांग्रेस के जाल में नहीं फंसे, आपके जाल में नहीं फंसे, आज तो तारीफ करिए उनकी। पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है ये। मानक जी, मैं जानता हूं कि किस भावना से आप ये शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं आपके तरीकों से बहुत परिचित हूं। राजनीतिक फूड़पन का जो अभी उदाहरण हम लोग देख रहे हैं उसके बारे में सबको चिंतित होना चाहिए। किसकी तरफ से? सुनिए ना, मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी। अब देखिए, सब बोल लिए, मुझे अगर 2 मिनट शांति से कहने का बाद मौका मिलेगा तो बड़ी कृपा होगी। शुरू में ही साफ नहीं कर देंगे, तो फिर जैसे चल रहा है चलने दीजिए, मुझे बोलने की जरूरत अच्छा रहेगा। राजनीतिक फोड़पन कौन दिखा रहा है? जो जो आज जो चिट्ठी राजनाथ जी को अरविंद केजरीवाल जी द्वारा लिखी गई है वो राजनीतिक फोड़पन का एक उदाहरण है। और मैं जब ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं तो बहुत सोच समझ के कर रहा हूं क्यों ये राजनीतिक फूहड़पन का उदाहरण है। सरकार बनाने के गंभीर विषय को किस तरह, मतलब किस तरह, किस फूहड़पन से उसके साथ डील करा जा रहा है, ये हम सबके लिए चिंता के विषय होना चाहिए। ये क्या लिखते हैं? ये पहले तो गाली गलौज लिखते हैं कि आप तुच्छ स्तर की राजनीति करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, जो कि एक शिष्टाचार की मर्यादाओं के अंदर इनको शायद ठीक लगती होगी, मुझे नहीं लगती है। दूसरी बात मैं कहता हूं, आपकी दिल्ली सरकार बनाने का विषय का जो सही फोरम था वो हमारा प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली का था। सिर्फ पब्लिसिटी की ओरिएंटेशन के लिए इस तरह की चीजें करेगा ये, लेकिन थोड़ी वो बात नहीं है, असली विषय पे आते हैं। असली विषय क्या कहते हैं? ये कहते साहब, हमारे ये 18 है बिंदु, और इन 18 बिंदुओं के बारे में जब आप हमें कैटेगोरिकल अश्योरेंस देंगे तो फिर हम जनता के पास जाएंगे पूछने के लिए कि हमें इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मतलब चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, राजनीति होती राजनीति कर रहे हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। सुनिए ना, अगर गंभीर
एक सेकंड मानक जी खत्म कर लूं मैं, देखिए अगर ये गंभीर राजनीति होती तो ये पहले अपनी जनता के पास जाते, उनसे कहते कि हम क्या ये 18 मुद्दों की चिट्ठी भेजें, और अगर उन चिट्ठियों का जवाब जो है सकारात्मक आता है तो हम बनाए ना बनाए पहले तय कर लेते, उसके बाद ये प्रक्रिया करके हमें भी लिखते और कांग्रेस को लिखते, तब एक गंभीरता का परिचय देते। ये गंभीरता, ये सरकार बनाना प्रजातंत्र बहुत गंभीर विषय है। अब ये क्या कहते हैं जनता, हमारी जनता 28 सीटों पे आपको विजयी बनाने वाली तो जनता है, और 32 सीटों पे विजयी बनाने वाली हमारी जो है वो शायद नकारात्मक जनता होगी, क्योंकि वो तो जनता है ही नहीं, जनता तो वो है जो इनकी है। इस तरह के शब्दों को प्रयोग करके आप सारी राजनीति को छोटा ना करिए, थोड़ा शर्मसार ना करिए। अब मैं एक और आखिरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप विषय देखिए, ये पहले बात करते हैं वीआईपी कल्चर, बेकरार हो रहे संजय सिंह जवाब देने के लिए, जल्दी से। हाँ, वीआईपी कल्चर की, इनकी बात का जवाब जी, वीआईपी कल्चर की बात करते हैं, ये वीआईपी कल्चर की बात करते हैं और वहां पे डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात करते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम नीचे के मोहल्ला कमेटी में, ये किसने मना करा है, लेकिन वो वीआईपी कल्चर कहां आ गया? लोकपाल बिल की, अन्ना के लोकपाल बिल की बात करते हैं, जिसके अंदर की केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी वो आते हैं, दिल्ली में लोकायुक्त एक्ट आता है जो ऑलरेडी है वहां पे, उसके विषय में बात। सुधांशु जी एक सेकंड, सुधांशु जी आप मुद्दे जो कह रहे हैं, मेरा कह रहा है, मैं कह रहा हूँ सुधांशु जी, ईमानदारी से चीजें करिए। अरे सुधांशु जी, मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी को आज इतना दर्द क्यों हो रहा है केजरीवाल की इस चिट्ठी से? उन्होंने तो साफ साफ 18 मुद्दे रखे हैं, मैं देख रहा हूँ मिमगजल साहब भी और आप भी, कांग्रेस बीजेपी को इतना दर्द, इतना चुप क्यों रही है ये चिट्ठी? मैं यही तो पूछ रहा हूं मानक जी कि कहां दर्द हो रहा है। हमें दर्द हो रहा होता तो समझ भी आती है, ये दर्द तो इनको हो रहा है कि ये पॉलिटिकल राजनीतिक ड्रामाबाजी नाटकबाजी कर रहे हैं, हमें तो इससे चिंता हो रही है। संजय सिंह से जवाब ले लेते हैं, संजय सिंह जवाब देंगे आप, इस तरह के सारे आरोपों का जवाब देंगे। संजय सिंह जी बोलेंगे आप, संजय सिंह जी राजनीतिक फुहड़पन है, आप ड्रामेबाजी कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपको राजनीति नहीं आती, मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। अगर झुग्गी बस्तियों के रेगुलराइजेशन की बात करना राजनीतिक फुहड़पन है, अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात करना राजनीतिक फुहड़पन है, अगर जी जो विषय है ये बात गलत बात है। संजय सिंह जी विषय एक सेकंड, संजय सिंह जी अब मुझे जवाब दे रही है, मैंने कहा उसका जवाब दे, संजय सिंह जी बात देने का कानून में लिखी 18 शर्तों की बात नहीं है, संजय सिंह जी चिट्ठी में लिखी 18 शर्तों की बात नहीं है, मुद्दा ये है कि आप सरकार बनाने को लेकर गंभीर नहीं है, आप सिर्फ राजनीति बात करेंगे, आपने 18 शर्तों की चिट्ठी भेजकर सिर्फ राजनीति की है, आप सरकार बनाना नहीं चाहते, आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। उसमें हमने क्या अपने लिए बंगला मांगा है, क्या अपने लिए ब्लैक कैट कमांडो मांगे, क्या आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार करने के लिए कोई रास्ता इनसे मांगा है? हम दिल्ली की जनता से जुड़े 18 मुद्दों पे आपकी राय जानना चाहते हैं माननीय, हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, वो बताइए आप रचनात्मक सहयोग देंगे, पहले तो ये बताइए सरकार बनाएंगे नहीं बनाएंगे, राजनीतिक जुमलेबाजी, पहले तो ये बताइए सरकार बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, इसलिए मत बताइए, ये लोगों को बेवकूफ ना बनाइए, जनता बहुत होशियार है, आपकी सारी नाटकबाजी समझ रही है, देश की जनता आपके आचरण को जानती है, आप लोगों को अफवाहबाज के रूप में पहचानती है, आपकी भ्रष्ट नीतियों को जानती है, आपने 105 मंत्री उत्तर प्रदेश में बनाए हैं कल्याण सिंह की सरकार में, आप हिस्ट्री सीटर्स को मिनिस्टर बनाते हैं, आप सुखराम को उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, आप रेड्डी ब्रदर्स को कर्नाटका के अंदर मंत्री बनाते हैं, आपका आपकी असलियत पूरे देश की जनता जानती है, और आप दिल्ली के अंदर मुद्दे की बात नहीं करते, इनका इतिहास है, आज तक नफाजी के अलावा कभी कोई बात नहीं करी है। अच्छा ठीक है, चलिए मैं मुद्दे पर ला रहा हूँ बहस को, फिर से शिक्षा की बात, मैं फिर से मुद्दे पर ला रहा हूँ बहस को, संजय सिंह जी एक सवाल है मेरा आपसे सीधा, संजय सिंह जी मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, साथ कभी गंभीर चर्चा नहीं हो सकती, संजय सिंह जी सवाल ये है सीधा सीधा, अब जबकि दिल्ली को दोबारा चुनाव में धकेलना लगभग तय हो गया है, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी संजय सिंह जी? इसकी पहली जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है, उनको 31 सीट मिली थी, वो सरकार बनाने के दायित्व से भागे, दूसरा मौका आपको मिला है ना, दूसरी जिम्मेदारी हमको संजय सिंह जी दूसरा मौका आपको मिला है, हाँ तो मैं कह रहा हूँ इन मुद्दों पे अपनी राय
इन मुद्दों पे अपनी राय दोनों लोग बता दे, हम सरकार बनाने के लिए तैयार है, अपनी राय तो बताएं। अरे उन्होंने हार मान ली कांग्रेस ने, संजय सिंह जी कांग्रेस ने हार मान ली। एक सेकंड सुनिए संजय सिंह जी, आप चाहते हैं दोनों नतमस्तक हो जाएं आपके सामने। संजय सिंह जी आप चाहते हैं नतमस्तक हो जाएं दोनों आपके सामने, जमीन पर लेटकर दंडवत प्रणाम करें, आप ये चाहते हैं। इसीलिए आरोप लग रहा है कि बहुत घमंड दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के इस रवैये में। कांग्रेस ने बिना शर्त समर्थन की चिट्ठी दे दी, आपकी सरकार को ना गिराने का वादा कर रहे हैं, आप फिर भी 18 शर्तें लिखकर, ऐसा लग रहा है कि आप उनसे चाहते हैं कि वो दंडवत प्रणाम करें, जमीन पर लेट जाएं, नतमस्तक हो जाएं। मानस जी दो उदाहरण मैंने दिया आपको, चौधरी चरण सिंह जी की सरकार, चंद्रशेखर जी की सरकार, इस देश के अंदर देवगौड़ा और गुजराल की सरकार, इन लोगों ने मुद्दों पर नहीं जब मन में आया गिरा दिया है। मानक जी प्लीज, इसलिए जनता के मुद्दे स्पष्ट होने चाहिए। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ मानक जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, दोबारा इनसे सुन लेते हैं, ये बताइए कि सरकार बनाने की जिम्मेदारी सुन लेते हैं, ये जो अभी इन्होंने कहा कि अगर हम समर्थन देंगे तो ये सरकार बनाएंगे। अच्छा हाँ, एक सेकंड, दोबारा बोल दीजिए संजय सिंह जी, ये ना लिखिए हम जनता से पूछेंगे। संजय सिंह जी क्या करिए, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये क्या कह रहे हैं कि ये 18 मुद्दे पे अगर इनको समर्थन मिलता है तो सरकार बनाएंगे, इनसे कहिए ना, क्योंकि चिट्ठी में नहीं लिखा इन्होंने। मैं वही कह रहा हूँ, ये भ्रमित करने वाली बात है। संजय सिंह जी बोलिए, वहाँ कुछ पूछे कैटेगरिकली पूछे। मैं बता तो रहा हूँ कि आप अरे तो 18 मुद्दों पे आपकी राय जो आएगी मान्यवर, कांग्रेस और बीजेपी के माननीय नेताओं से जो राय प्राप्त होगी, उस राय पे पर जनता के बीच जाके चर्चा करना, इसीलिए ड्रामा कह रहे हैं इसको संजय सिंह जी, इसीलिए इसको ड्रामा कहा जा रहा है। फिर झूठ बोल गए, इसीलिए ड्रामा कहा जा रहा है। अभी आपके सामने कहा था कि अगर समर्थन मिलेगा तो गुनाह है क्या? देखो फिर झूठ बोल रहे हैं। अभी आपके टेलीविजन आपकी राय को जनता के बीच में चर्चा करना, अभी देखिए फिर आप लफाजों का तरीका, कहा झूठ बोल रहे हैं लफाजी, इसको कह रहे हैं, आपके सामने ये कह रहे हैं कि इनका समर्थन मिलेगा तो हम जो है सरकार बनाएंगे, और जहां मैंने पकड़ा वहां झूठ बोल गए। अरे पकड़ा क्या, तो लिख दिया है आप, क्या पकड़ा? अरे भाई एक बात करिए, दो बात हो सकती है, या तो सरकार बनाएंगे, सुधांशु जी एक सेकंड, अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है ना, सुन लीजिए संजय सिंह जी, सुन लीजिए सुधांशु जी, ये अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है, जो चिट्ठी लिखी है LG साहब को, उसमें साफ लिखा है उन्होंने कि हम 18 शर्तों की एक चिट्ठी भेज रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी को जवाब आएगा, जनता के बीच ले जाएंगे, जनता की बात सुनने के बाद आपको बता देंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। संजय सिंह जी दो बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन मीम अफजल साहब आपको नहीं लगता है, क्या बोल रहे थे? एक सेकंड, मीम अफजल साहब से सुन लीजिए सुधांशु जी, एक सेकंड, मीम अफजल साहब इसी टेप को रिवाइंड करिए। मीम अफजल साहब क्या आप भी मानते हैं कि क्या सरकार बनाएंगे आप लोग इस देश में? अफवाह मत फैलाइए। मीम अफजल साहब, मैं आपको एक बात कहूं, पहले हमारी बात सुन लें तो आप, संजय सिंह जी आप जितना कहें बोल लेंगे बाद में। देखिए पहली बात तो कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ड्रामेबाजी कर रहे हैं, मैं ऐसा इल्जाम नहीं लगाऊंगा, जब हम सपोर्ट कर रहे हैं तो हम बहुत सीरियस हैं, और हमारा जब देखिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जब अनकंडीशनल सपोर्ट की बात होती है तो आपने आज तक हिस्ट्री में कभी सुना नहीं होगा जिस तरह के सवाल आती इन्होंने पैदा किए 18 सवाल। दूसरी बात यह है कि इन्होंने हमारी मिसालें दी कि हमने कई सरकारें गिरवाई हैं, तो आप सीधा गवर्नर से कहते हैं हमारे हमको इनके ऊपर एतमाद नहीं है, 18 सवालों की भी जरूरत नहीं थी, आप सीधा बोलते कि हमको नहीं जाना है इनके साथ, हमें इनकी सपोर्ट भी नहीं चाहिए। संजय सिंह जी को समर्थन में समर्थन सात दिन में आम आदमी पार्टी को समर्थन नकार देना चाहिए था। पिछले 7 दिन के अंदर इन्होंने 4 बार अपना स्टैंड बदला है, ये आपको बताना चाहता हूँ, 4 बार स्टैंड बदला है। पहले इन्होंने कहा कि हमको ना कांग्रेस का समर्थन चाहिए, ना भारतीय जनता पार्टी का, और ना हम उनको समर्थन देंगे। दूसरी बार ये कहा कि जो लोग अच्छे और ईमानदार हैं वो हमारे साथ आ जाएं, यानी पार्टियां तोड़ने तक के लिए तैयार हो गई है। तीसरी बार इन्होंने ये कहा, जो अभी इन्होंने कहा कि अगर हमको इन मुद्दों पर समर्थन मिलेगा, और एक बात और कही थी जो मुझे इस वक्त याद नहीं है, 4 मुद्दे गिनवाए जा सकते हैं कि इन्होंने अपना स्टैंड 6 दिन के अंदर बदला है। वो दूसरी बात, मैं आपको एक बात और पूछना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं हम अवाम के पास जाएंगे, अवाम ने आपको वोट दे दिया है, आपके MLA फैसला करेंगे, अवाम फैसला नहीं करेंगे। अब
जब एक बार वोट दे देते हैं तो उनके रिप्रेजेंटेटिव पार्टी के अंदर फैसला करते हैं, इसीलिए और पार्लियामेंट में फैसला करते हैं और असेंबलियों में फैसला करते हैं, इसीलिए इसको दिखावा कहा जा रहा है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को थोड़ा सा पढ़ लीजिए, या ये कहिए कि आपको विश्वास नहीं है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का। अगर आपको डायरेक्ट आवाम से ही सारे फैसले कराने हैं तो एमएलए को रास्ते में से हटा दीजिए, इलेक्शन चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं है, खाली केजरीवाल साहब को दे देते हैं सरकार बनाने का। आपकी बात को जवाब जाके आवाम से बात कर लेंगे। आपके जो एमएलए चुन करके आए हैं उनको साइडलाइन में कर दिए, उनकी कोई औकात नहीं है आपकी नजर में? क्या आपकी नजर में जनता की कोई औकात नहीं है क्या? हम तो यही कह रहे हैं कि मोहल्ला सभा को नहीं, जनता की औकात है और जनता ने वोट दिया आपको। खत्म करना चाहते आपको जनता ने वोट दिया है। अरे आपको जनता ने वोट दिया है। अरे जनता की औकात पहले बात ये है कि आज हम जनता विपक्ष से भी नीचे चले गए। जनता की औकात ये है कि भारतीय जनता पार्टी को बाहर कर दिया है। जनता की औकात ये है कि आप भी दूसरे नंबर पर ताकत देना चाहते हैं। ये जनता की औकात बता रहा हूं, आप पावर करना चाहते हैं, आपको जनता पे भरोसा ही नहीं है। व्हाट इज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर? व्हाट डू यू नो अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स? देखिए जिस तरह इस बहस में हम देख रहे हैं कि गोल 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 हम घूम रहे हैं। एक सेकंड ब्रेक लेना है सर मुझे ब्रेक लेना है। संजय सिंह जी ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। सुधांशु जी संजय जी ब्रेक ले रहे हैं एक छोटा सा, जिसे हम देख रहे हैं ये बहस गोल गोल घूम रही है, बिल्कुल ऐसे ही समझ लीजिए। दिल्ली में राजनीति भी गोल गोल घूम रही है, कोई फैसला नहीं हो रहा, लेकिन ये तय है चुनाव दोबारा होने, राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है। छोटा सा ब्रेक, लेकिन ये बहस जारी है आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के साथ। इस ब्रेक के बाद देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के 8 एमएलए आम आदमी पार्टी को बिना शर्त समर्थन देने का वादा करते हैं, एक चिट्ठी भी एलजी को भेज देते हैं। उसके बाद बीजेपी कहती है हम भी सकारात्मक समर्थन आम आदमी पार्टी को देंगे अगर वो सरकार बनाती है तो। लेकिन बीजेपी कांग्रेस के इस जाल में आम आदमी पार्टी फंसती नहीं है। केजरीवाल 18 शर्तों का एक बम फोड़ देते हैं। क्या इससे यह साबित हो गया है कि आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है? लेकिन संजय सिंह जी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। सवाल यह भी बनता है संजय सिंह जी कि क्या अब आपको यह नहीं मान लेना चाहिए कि आप भी पूरी तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी बन गए हैं, पूरी तरह से आप भी राजनीतिज्ञ नेता बन गए हैं, आप भी राजनीति खेलना बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं, आप भी बाकी पार्टियों से राजनीति खेलने के मामले में बिल्कुल अलग नहीं है संजय सिंह जी? मानस भाई, जब हम लोगों ने अपनी पार्टी बनाई थी तो हमने ये कहा था कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं। यानी परंपरागत राजनीति जो इस देश के अंदर चल रही थी, जो खरीद फरोख्त करके गोवा में पिकनिक करा के विधायकों की तोड़फोड़ करके सरकार बनाने की जो राजनीति इस देश के अंदर चल रही थी, इस देश में जो भ्रष्टाचार की तो राजनीति आपसे सवाल ये था ना, आप मना कर देते आपको समर्थन नहीं चाहिए था, राजनीति चल रही थी संजय सिंह जी, आप मना कर देते। आपको ये चिट्ठी भेजकर ये राजनीति करने की क्या जरूरत थी? सिर्फ राजनीति है ये जो 18 शर्तें आप में इसने रखी है, आपने इसमें ये आपका चुनावी घोषणा पत्र लग रहा है, कहे तो आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे पूछ रहा हूं। इन दोनों लोगों ने क्या कहा? एक ने कहा बिना शर्त हम समर्थन दे रहे हैं, दूसरी पार्टी ने क्या कहा? हम रचनात्मक सहयोग करेंगे। और तुरंत उसके बाद इनके एक नेता ने ट्वीट किया और एक नेता ने बयान दिया कि देखो अब तो यह साबित हो गया कि यह कांग्रेस की भी टीम है। ये प्रयास, इनका षड्यंत्र आप समझिए, ये देश को दिखाना चाहते हैं कि दरअसल ये भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, दरअसल ये आम आदमी के मुद्दों के साथ नहीं है, दरअसल ये कांग्रेस और बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। अगर बीजेपी समर्थन दे दे तो कांग्रेस कहे ये बीजेपी की टीम है, कांग्रेस समर्थन दे दे तो बीजेपी कहे वो मैं समझ रहा हूं। तो संजय सिंह जी वो मैं समझ रहा हूं, लेकिन एक और सवाल के बीच में हम करना चाहते हैं। ठीक है आम मुद्दों की बात, कांग्रेस और बीजेपी आपको फंसाना चाहते थे, आपने एक सेकंड संजय सिंह जी सवाल सुन लीजिए। सवाल दूसरा ये है, लगातार चुनाव का नतीजा आने के बाद आप कह रहे थे हम विपक्ष में बैठेंगे, 28 सीटें हैं, हमारे पास नंबर नहीं है। तो जब कांग्रेस का समर्थन का पत्र आ गया तो उसके बाद आपने ये 18 शर्तों की ये चिट्ठी लिखने की ये कैसे सूझी है? राजनीति है ना ये, पहले चुनाव से नतीजों के बाद आप कह रहे हैं विपक्ष में बैठेंगे, अचानक कांग्रेस के समर्थन के बाद आप चिट्ठियां लिख रहे हैं, इसका मतलब आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, सीधे सीधे राजनीति कर रहे हैं? नहीं, ये राजनीति कहां है? कांग्रेस और बीजेपी दोनों के स्टेटमेंट सुनिए, दिल्ली की जनता के हितों से इनको कोई लेना देना नहीं है।
ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आम आदमी पार्टी अपनी दायित्व नहीं निभाना पा चाह रही है, तो भैया हमें 36 आती तो हम अपने ये सारे दायित्व निभाते। आप इन 18 दायित्वों पर जो हम निभाना चाहते हैं उस पे क्या राय रखते हो ये तो बताओ। हमें सत्ता सरकार बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए नहीं बनानी है सरकार। ऐसा लग रहा है 18 मुद्दों को हल करने के लिए बनानी है। संजय सिंह जी, एक सेकंड, कृपा करके हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, इस पे बताओ अपनी राय। संजय सिंह जी, एक सेकंड, बहुत सारे राजनीतिक विशेषज्ञों को, विश्लेषकों को ऐसा लगता है, और शायद आपकी पार्टी के अंदर भी एक आम धारणा ये है कि अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो आपकी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल जाएगा, इसीलिए आप सरकार नहीं बनाना चाहते, इसीलिए आपको लगता है कि दोबारा चुनाव हो जाए, चाहे दिल्ली के ऊपर, जनता के ऊपर दोबारा चुनाव का बोझ आ जाए, आपको पूर्ण बहुमत मिले तब आप सरकार बनाए। क्यों सुधांशु जी भी यही कह रहे हैं? आप इन दोनों पार्टियों से पूछ लीजिए, इन दोनों को बिल्कुल नहीं लगता है, इनको तो अभी भी लगेगा कि एक सीट नहीं पाएंगे हम। सुधांशु जी, ये तो जनता तय करेगी ना किसकी बहुमत बनेगी किसकी नहीं बनेगी। इन दोनों पार्टियों से पूछिए, अभी भी ये कहेंगे पानी के बुलबुले हैं, उड़ जाएंगे, गटर स्नाइप हैं, मौसमी कीड़े हैं, अभी आप देखिएगा, बोलिए सुधांशु जी, होगा फिर जुमले सुनिएगा। जनता को तो कुछ समझते ही नहीं आम आदमी को, ये लोग अहंकार भयंकर है। सुधांशु जी, अब देखिए मानिक जी, मैं सारी प्रश्न में सिर्फ 4 प्रश्न पूछना चाहता हूं, जिसका मैं चाहता हूं कि गंभीरता से जवाब देंगे, ये फिर दाएं बाएं के भाषण नहीं झाड़ेंगे। पहला, क्या यह सत्य नहीं है कि अभी जिस दिन चुनाव आए उसके अगले नतीजे आए उसके अगले दिन केजरीवाल जी ने यह कहा कि मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूं किसी को समर्थन नहीं मिलेगा, किसी को समर्थन नहीं देंगे, कोई कांग्रेस से, कोई भाजपा से, किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं होगा। कहा या नहीं कहा? क्योंकि यह मैंने खुद ने सुना है। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, आज जब आप चिट्ठी में 10 दिन की बात करते हैं तो आप किस लिए 10 दिन की बात करते हैं? कि समर्थन मिलना या ना मिलना या हम सरकार बनाएंगे इसके विषय में हम 10 दिन तक समय चाहते हैं। नहीं, 10 दिन की बात नहीं है। क्या सुधांशु जी, स्पष्टीकरण, क्लेरिफिकेशन, 10 दिन की बात नहीं है, मैं बस एक स्पष्टीकरण दे रहा हूँ, 10 दिन की बात नहीं है चिट्ठी में, सिर्फ ये लिखा है। अफवाह फैलाना, संजय सिंह जी एक सेकंड, अरे संजय सिंह जी कुछ भी फैला सकते हैं। संजय सिंह जी एक सेकंड, संजय सिंह जी बोलने दीजिए, सुधांशु जी को बोलने दीजिए, स्पष्टीकरण दे दूं। जो चिट्ठी एलजी को भेजी है केजरीवाल साहब ने, उसमें 10 दिन का समय की कोई बात नहीं है, सिर्फ ये कहा है, दोनों पार्टियों का जवाब आएगा, जनता के बीच ले जाएंगे, उसके बाद बता देंगे आपको। समय, अरे समय मांगा ना, समय मांगा कि जब आ जाएगा तब बताएंगे, ये तो नहीं कहा कि हम नहीं बनाएंगे। हाँ बिल्कुल, और अगर समय मांगा है तो सरकार बनाने की संभावना के लिए मांगा है ना, जहां तो वो पहले बार अपने बच्चों की कसम खा के कहते हैं कि हम ये कुछ करेंगे ही नहीं, अब वहां से चेंज हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया, तीसरा, हाँ सरकार, हम लोग खराब, कांग्रेस खराब, हम लोगों ये है वो है, ठीक है, पर ये 10 दिन, ये आप समय मांग क्यों रहे हैं? आपने अभी तक तय कर लेना है कि भाई आपको सरकार बनानी है, नहीं बनानी है, नहीं बनानी है तो हम लोग जाएंगे चुनाव में, उसमें कौन सी बड़ी बात है? हमने क्या कहा? हमने कहा हमारे पास नंबर नहीं है, आपके पास समर्थन, या तो कोई समर्थन हमें दे, हमें कोई समर्थन नहीं दे रहा, हम सरकार नहीं बना सकते, आपके पास समर्थन, आपको नहीं चाहिए, मना करिए, मतलब पब्लिसिटी स्टंट है। ये जो मैं जब आपसे क्या कहा कि गंभीर राजनीति करने की जगह, ये क्या लफाजी नहीं है, ये क्या नाटक नहीं है, ये क्या यहाँ पे लोगों को गुमराह करने का, भ्रमित करने का षड्यंत्र नहीं है? ठीक है, चौथी बात, पहले ये बताइए, केजरीवाल जी ने अपने बच्चों की कसम खा के कहा था या नहीं कहा था, मुझे तो इसका जवाब दे दीजिए। संजय सिंह जी जल्दी से, देखिए ये मैंने आपको कहा कि हम इनसे अफवाह फैलाने के मामले में तो प्रतियोगिता नहीं कर सकते, इस मामले में हमारी क्षमता थोड़ा बीजेपी से बहुत कमजोर है। ये कुछ भी अफवाह फैला सकते हैं देश में, कांग्रेस की बी टीम है उसका अफवाह फैला दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुधांशु मित्तल जी जवाब नहीं देंगे, जवाब देंगे, जवाब नहीं देंगे। आपने ये कहा कि नहीं कहा कि हम अपने दायित्व से भाग रहे हैं? आपने कहा कि नहीं कहा कि हम अपने दायित्व से भाग रहे हैं? बताइए पूरे देश को। आपने ये बताइए, केजरीवाल जी ने बच्चे की कसम खाई थी? खाई थी या नहीं खाई थी? बताइए कि हम अपने दायित्व से भाग रहे हैं या नहीं? फांसी ना करिए, आप बोलिए आपके केजरीवाल जी ने बच्चों की कसम खाई थी, बताइए। और अगर कसम खाई थी आप अफवाह फैलाइए, ये उस कसम के अनुसार कि हम अपने दायित्व से भाग रहे हैं, हम अपना दायित्व निभाना चाहते हैं, आप बताइए इन मुद्दों पे क्या राय है आपकी? यही तो पूछ रहे हैं, दायित्व क्या अपराध कर रहे हैं? आप अपनी बात करिए, हमने क्या कहा, छोड़िए लोकतंत्र में, आप अपनी बात करिए ना, केजरीवाल जी ने इसका मतलब बच्चों की झूठी कसम खाई थी ना? अरे केजरीवाल जी ने बच्चों की झूठी कसम खाई थी ना? बोलिए आप नेता नहीं है क्या? आपकी बात फांसी नहीं है क्या?
आज जो मन में आता है बोल देते हैं। अरे आप बताइए ना, हाँ या ना बोलिए। बोल देंगे आप, आपने कहा कि नहीं कहा, बोलिए। हम अपने दायित्व से भाग रहे हैं, आप बोलिए या ना बोलिए। उन्होंने हम अपने दायित्व से भाग रहे हैं, आपने कहा कि नहीं कहा। नहीं खाई थी मानक जी, इनसे पूछिए। ऐसा लग रहा है सवाल ही सवाल है, जवाब नहीं मिल रहे। सुधांशु जी एक सेकंड, संजय जी एक सेकंड रुक जाइए, संजय जी एक सेकंड रुक जाइए, सुधांशु जी आप भी रुक जाइए। मीम अफजल साहब बहुत देर से खामोश बैठे हैं। मीम अफजल साहब, आपको लगता है अब जब दोबारा चुनाव होंगे, जिसकी तैयारी ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी ने शुरू भी कर दी है, दोबारा चुनाव होंगे तो आप ये मुद्दा जनता को बताएंगे कि दिल्ली पर दोबारा चुनाव का री इलेक्शन का बोझ डालने का जिम्मा पूरी तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी का है? दोनों को मिला के ज्यादातर सीटें मिली हैं, 60 सीटें मिली हैं 70 में से। देखिए ये तो बात है ही कि इनके पास बहुत अच्छी सीटें इनको मिली हैं, और दूसरी बात ये मैं आपको वोट का परसेंटेज भी बता देता हूं। आम आदमी पार्टी को 29.5% वोट मिला है जी, और भारतीय जनता पार्टी का 36% वोट घट करके 33% हो गया, 3% वोट कम हुआ है इनका। तो अब ये तो बड़े अहम विषय हैं कि 62% वोट वाली दोनों पार्टियां सरकार बनाने से भाग रही हैं और हमारे गले में फंदा डालने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हम तो अपनी जिम्मेदारी दिल्ली के अवाम के तई पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अगर अवाम फ्रैक्चर्ड मैंडेट देते हैं तो अवाम की ज्यादा से ज्यादा ख्वाहिशात को पूरा करते हुए हमेशा सरकारें बनती आई हैं। संजय भाई माने या ना माने, मैं इसीलिए कह रहा हूं, मीम अफजल साहब मेरी बात सुन लीजिए, छोटी सी। आपके पास 18 सवाल लेकर के नहीं जाना चाहिए, मेरी छोटी सी बात सुन लीजिए। मैं तीनों से कहूंगा, बल्कि छोटी सी बात सुन लीजिए जी। बताइए, ऐसा लगता है देश में कुछ ना हो जी, बताइए, कुछ हो या ना हो, इस बार दिल्ली की राजनीति में जो देखने को मिल रहा है वो सब पहली बार है। यानी ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल कल्चर हिंदुस्तान में बदल रहा है। जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बदलाव लाने की बात कर रहे हैं वो तो दिखाई दे रहा है, इस बार पहली बार हम देख रहे हैं। हार के बावजूद, करारी हार के बावजूद कांग्रेस अनकंडीशनल सपोर्ट का लेटर दे रही है आम आदमी पार्टी को। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सरकार बनाने को तैयार नहीं है, किसी और राज्य में दावा कर देती फौरन। और अब आम आदमी पार्टी भी देखिए, आम आदमी पार्टी भी सीधे सीधे एलजी के ऑफर को ठुकराने के बजाय बीजेपी और कांग्रेस को एक मुश्किल सिचुएशन में डालने की कोशिश कर रही है। जबरदस्त राजनीति हो रही है, लेकिन जो हो रहा है ऐसा लग रहा है पहली बार हो रहा है, बहुत नई राजनीति है ये। क्यों मीम अफजल साहब? देखिए मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि ये नई चीजें हो रही हैं, और इसका एतराफ हमारी पार्टी ने फौरन ही किया। जिस टाइम ये इलेक्शन के रिजल्ट आए, हमने खड़े होकर के कहा कि आवाम का फैसला हमको मंजूर है। हमने गलती की कि हमने लोगों की नब्ज को पढ़ने में गलती की। अपनी गलती का एतराफ करना डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी समर्थन डेमोक्रेसी की हिफाजत करना है। अगर इस हिंदुस्तान के अंदर ये कोई वो मुल्क नहीं है जहां डिक्टेटरशिप चलती हो, यहां आवाम का फैसला फाइनल फैसला होता है। हम आवाम की वर्डिक्ट का एहतराम कर रहे हैं, और राहुल जी ने जो बात कही थी वो आप पार्टी को सामने रखनी है और आपको भी सामने रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये नई किस्म की राजनीति, उन्होंने इशारतन ये बात कही कि इससे सीखना चाहिए। तो हमारे इतने बड़े नेता ने कह दिया सीखने की बात, तो हमसे क्या आप सवाल कर रहे हैं? हम तो पहले ही सीखने को कोशिश करते हैं, हमेशा सीखते हैं। कांग्रेस पार्टी अगर सीखती ना होती तो 125 साल की पार्टी है, कभी की खत्म हो गई होती। सुधांशु जी, ये पानी का बुलबुला नहीं है, ये एक प्रोसेस के साथ आगे आई है, और हम लोगों में क्षमता है कि अपनी कमियों को एतराफ करने की हमारे अंदर ताकत है। चलिए सुधांशु, और हमने अनकंडीशनल सपोर्ट दी है, हम कोई धोखा नहीं देना चाहते। ये लोग हम पर धोखे का इल्जाम लगा करके दिल्ली की जनता को एक बार फिर इलेक्शन में झोंकने का काम करेंगे, और गलती करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से गलती कैसे करेंगे, बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। गलती कैसे करेंगे, अगली बार कितनी सीट आएगी आम आदमी पार्टी को? इसलिए कि 6 महीने के अंदर, देखिए मैं आपको बताता हूं 6 महीने तक अगर हम इनको समर्थन दे देते हैं तो नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आ सकता। 6 महीने के अंदर जितने एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है ये ले, अगर हमने इनको रोका तो आवाम हमारा बेड़ा गर्क कर देंगे, और अगर इन्होंने पूरा नहीं किया तो आवाम इनका बेड़ा गर्क कर देंगे। ये आप समझ लीजिए बात, ये उससे डर रहे हैं इसलिए जाना नहीं चाहते हैं। इनकी नजर पार्लियामेंट के ऊपर भी है और असेंबली के ऊपर भी है। अब ये चाहते हैं कि दोनों इलेक्शन साथ हो जाएं, ताकि इनको कुछ पार्लियामेंट की सीटें भी मिल जाए, केजरीवाल जी वहां चले जाएं और ये हमारे भाई यहां पर रह जाएं थोड़े से लोग।
और यहाँ पर दिल्ली में भी इनका कब्जा हो जाए और इसीलिए इसीलिए आप इनको एक्सपोज करना चाह रहे हैं, तो इसीलिए आप इनको एक्सपोज करना चाह रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले आप इनको एक्सपोज करना चाह रहे हैं। चर्चा हो रही है इस बात की। मानस जी हम एक्सपोज नहीं करना चाहते, हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं ईमानदारी के साथ, जिस ईमानदारी का ढंडोरा आप सुबह तक जाके सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। संजय सिंह का जवाब सुन लीजिए, आप सरकार बनाइए, आपको बनानी चाहिए। संजय सिंह बोल रहे हैं हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अगर सत्ता की बात होती। हाँ संजय सिंह जी बोलिए, मुद्दों की बात कीजिए ना भैया, हमें सरकार मुद्दों के लिए चर्चा का कौन सा तरीका है? सरकार अगर चुप रहेंगे तो बात ही नहीं करेंगे। आपके मैनिफेस्टो पे मैं थोड़ी दस्तखत करूंगा, मैं ये आपका मैनिफेस्टो आपका है। अच्छा चलिए, सरकार आपको मिल रही है, आप अपने मैनिफेस्टो को लागू करिए। एक सेकंड रोका, एक सेकंड रुकिए, संजय सिंह जी रुक जाइए, संजय सिंह जी एक सेकंड रुक जाइए, नीमत जल साहब एक सेकंड रुक जाइए, संजय सिंह जी नीमत जल साहब एक सेकंड संजय सिंह जी एक सेकंड प्लीज संजय सिंह जी एक सेकंड, नीमत जल साहब रुक जाइए। सुधांशु जी मैं उसी पर लौट रहा हूँ, थोड़ी देर पहले जो मुद्दा मैंने उठाया था, ऐसा लगता है इस बार दिल्ली की राजनीति में वो कुछ हो रहा है जो अब से पहले नहीं हुआ। इतना श्रेय तो आपको केजरीवाल को देना पड़ेगा। मीम अफजल साहब मान रहे हैं कि हमने तो सीखा, आप भी मान लीजिए। सुधांशु जी, मानक जी मुझे तो लग रहा है कि जैसे आप सोच रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी ये है और हम लोग जो है पराजित हुए हैं, ये भी कमाल है। नहीं नहीं 32 सीटें जीते हम, नहीं 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 सीट जीतने के बाद, सीट जीतने के बाद आपने जो किया उस पर सवाल है। सवाल ये कोई और राज्य होता माने जी, या तो आप बोल लीजिए, अगर आपको बोलना आप बोल लीजिए। नहीं 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 देखिए आप मेरा सवाल या तो समझे नहीं, ये आप टाल रहे हैं। सवाल मेरा ये है, सीटें जीतने के बाद, सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद आप दिल्ली में सरकार बनाने को आगे नहीं आए, सिर्फ 4 सीटें चाहिए थी। कोई और राज्य होता 15-20 सीट का डिफरेंस भी आपको कॉन्फिडेंस होता, आप आराम से मेकअप कर लेंगे, इसलिए आप सरकार बनाने का दावा पेश कर देते। यहां आपने नहीं किया, ये नई तरह की राजनीति है, ये कैसे आई है बीजेपी में, ये जानना चाह रहा हूं मैं। ये अच्छी तरह की राजनीति है, गंदी तरह की राजनीति है, पहले ये और बतला दीजिए, फिर उसका जवाब देता हूं। बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल अच्छी तरह की राजनीति है। आपके पास नंबर नहीं है, जोड़ तोड़ क्यों कर रहे हैं आप, क्यों विधायक खरीदे हैं? हम तो खुद ही कहते हैं अच्छी राजनीति है, लेकिन ये आई कहां से? अगर एक अच्छी राजनीति आई है तो वो भी हम लोग गुनाहगार हो गए? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। कमाल है, आपको तो इसकी तारीफ करनी चाहिए कि भाई एक अच्छी राजनीति आ गई। आगे चलिए, तारीफ कर रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये जो छिछोरापना हो रहा है, ये जो फुअड़पना हो रहा है, और ये जो जनता को के आंख में धूल झोंकने की कोशिश हो रही है, ये अच्छी राजनीति है या गंदी राजनीति, ये और तय कर लीजिए। ये समर्थन ना होने के बावजूद, और जिनका समर्थन मिल रहा है वो समर्थन स्वीकार ना करने के बावजूद इस तरह की चिट्ठियां लिख के गुमराह करने की कोशिश हो रही है, अच्छी राजनीति है गलत राजनीति है? ये केजरीवाल जी का बच्चों की कसम खाने के बाद इस तरह झूठ बोलना, ये अच्छी राजनीति है गंदी राजनीति है, पहले ये तय कर लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूं। समय मेरे पास खत्म हो गया, नया राजनीति का कल्चर आ गया है, समय खत्म है। क्लोजिंग रिमार्क संजय सिंह आपको दे रहा हूं मैं, एक बार फिर से छिछोरापन कह रहे हैं आपकी राजनीति को सुधांशु जी बीजेपी से। देखिए उनके उनके अरे मैं झूठ भी कह रहा हूं, केजरीवाल ने झूठ बोला उसके बारे में जवाब दीजिए, ये कह रहा हूं, जवाब सुन लीजिए, बोलिए संजय सिंह भाई, केजरीवाल जी ने झूठ बोला या नहीं बोला ये बताइए। फुहारपन कमाल है मानक जी, अभी तक उस बात का आप इनसे जवाब नहीं ले पाए हैं कि केजरीवाल जी ने अपने बच्चों की कसम खाई थी या नहीं खाई थी। बने नहीं हो आप लोग, आप अरे भाषा तो बाद में आएगी, आप सत्य तो बताइए भैया, महाराज सत्य तो बताइए कि केजरीवाल जी ने सत्य में कसम खाई थी या नहीं खाई थी? संजय सिंह जी जवाब दे दीजिए एक बार, बहस खत्म होने वाली है, समय कम है, जवाब दे दीजिए संजय सिंह जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जनता के 18 मुद्दे हैं, उसका जवाब देने से आप ये लोग सब सवाल के जवाब नहीं देंगे, इसीलिए आपसे जवाब पूछने वाले इसीलिए फिर से कह रहा हूं, जवाब मेरे पास खत्म हो गया है। आपकी 32 सीटें आई हैं, समय बिल्कुल खत्म है मेरे पास, बहुत बहुत शुक्रिया नीम अफजल साहब, सुधांशु जी, संजय सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए। लेकिन ऐसा लग रहा है दिल्ली की राजनीति में जो हो रहा है गोल गोल गोल, हर तरफ सवालों की बौछार हो रही है, जवाब किसी के पास नहीं है, और इसीलिए ऐसा लगता है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगना तय है, दोबारा चुनाव होंगे कब यह नहीं पता। हमारी बहस में भी सबसे बड़ा सवाल में भी बिल्कुल यही देखने को मिला है, सवाल बहुत सारे हैं, जवाब तीनों में से किसी के पास नहीं है। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज 24।